बिग बॉस OTT3 में हाल ही में होस्ट अनिल कपूर के साथ एक धमाकेदार वीकेंड का वार एपिसोड देखा गया, जो काफी ड्रामे से भरा था। होस्ट के विशाल पांडे और सना मकबूल को डांटे जाने से लेकर पायल मलिक के बिग बॉस में आकर कृतिका मलिक के लिए बोलने तक और अरमान के विशाल को थप्पड़ मारने तक इस हफ्ते काफी कुछ हुआ। और अब बिग बॉस OTT3 अपने तीसरे सप्ताह में है, तो शो में एक वाइल्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। आइए उनके बारे में हम बताते हैं। बिग बॉस OTT के घर में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। थप्पड़ कांड के बाद घर के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी टास्क को लेकर, कभी खाने को लेकर किसी ना किसी बात पर घर वालों के बीच बहसबाजी होती रहती है। इतने सारे टेंशन के बीच अब घर वालों को एक नई टेंशन देने के लिए और शो में रोमांच बढ़ाने के लिए पहले वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने वाली है। शो के पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री को लेकर शो के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है जो शो में बाकी घर वालों को नाच नचाने वाला है या खुद उनके इशारों पर नाचने वाला है। बिग बॉस OTT3 में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री को लेकर फैंस कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अटकलें हैं कि शो में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अदनान शेख शो में एंट्री लेने वाले हैं। वैसे तो ये नाम काफी लोगों के लिए जाना पहचाना है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी शुरुआत टिकटॉक से की थी। टिकटॉक बैन होने के बाद वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगे। उनके लाखों करोड़ों फैन उनको फॉलो करते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं है कि अगर वाकई बिग बॉस OTT3 के घर में अदनान शेख की एंट्री होने वाली है तो वो घर में मौजूद यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि बिग बॉस OTT में अदनान शेखी की एंट्री को लेकर कोई ऑफिशियल बयान या कोई पोस्ट सामने नहीं आया। अदनान ट्रेंडी रील्स और वीडियोस के लिए वजह से काफी फेमस है। पहले वो अपने दोस्तों के साथ टिकटॉक वीडियोस बनाते थे जिनको टीम 07 के नाम से जाना जाता था, जिसमें फैजल से शेख भी हुआ करते थे। आज के समय में ये दोनों सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं। इन्होंने अपनी वीडियो खुद ब खुद पैसा कमाया है। वही सोशल मीडिया के जरिए फेम के बाद अदनान शेख ने MTV शो एस ऑफ स्पेस 2 में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके वो पहले रनर अप रहे थे। इसके अलावा अदनान शेख विवादों में रहे, उनके ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जिन रातों रात हंगामा कर दिया। COVID-19 में लगे लॉकडाउन के समय उनकी टीम ने कई वीडियो वायरल हुए थे जिनमें वो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए थे, जिसके बाद उनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अदनान शेख साल भर में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करते हैं। कथित तौर पर वह प्रति एपिसोड 1 लाख रुपए की फीस लेंगे। अदनान शेख की कुल नेटवर्थ 7 करोड़ है। वह एक्टिंग, मॉडलिंग और ब्रांड एम्बेसडर के जरिए कमाते हैं। हालांकि वाइल्ड कार्ड के तौर पर अदनान शेख के बारे में आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है।